नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहां देश भर में नौकरी और व्यापार से लेकर आमदनी के सारे स्रोत बंद बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काफी महीनों के अंतराल के बाद सड़कों पर जिंदगी ने नई उड़ान भरी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटी तो छोटे छोटे सवारी ले जाने वाले वाहन भी कतार में आ गए और अपने परिवार का पालन पोषण करने, दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए ऑटो चलाकर अपने परिवार का खर्च वहन करने लगे। लेकिन सुरक्षा और कानून का हवाला देकर छोटे वाहन वाले संचालकों को पुलिस के द्वारा कभी चालान के नाम पर सताया जा रहा है तो कभी प्रशासन के द्वारा परमिट के नाम पर उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर आज ऑटो संचालकों के द्वारा डीएम दरबार में अपनी गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां आज दर्जन भर ऑटो संचालकों के द्वारा डीएम दरबार में जाकर अपनी पीड़ा बताई। ऑटो संचालकों के द्वारा बताया गया कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी बिना किसी कमी के उनका 7,000 का चालान किया जाता है, कभी होमगार्डों के द्वारा बिना किसी बात के उनके साथ मारपीट की जाती है। पूरे दिन की आमदनी 200 रुपए होती है, लेकिन 7,000 के चालान होने से पूरे महीने की कमाई चालान में चली जाती है। लॉकडाउन में पड़ोसियों से उधार लेकर खाना खाया और अपने परिवार का पालन पोषण किया। किश्तों पर ऑटो निकाले, किश्त भी भरनी पड़ती है। घर का खर्चा चलाएं या किस्त भरें या फिर चालान भरें। उनके द्वारा डीएम अलीगढ़ से मांग की गई कि उनको निश्चित जगह उपलब्ध कराई जाए, जहां पुलिस और प्रशासन उनको परेशान ना करे और वो अपने परिवार का पालन पोषण करे। क्या समस्या है? समस्या सर हमारी ये है कि हम टम्पू वाले सवारी उतारे हैं तो चालान हमारा चढ़ाए, चालान होम गाड़ी डंडे मारते हमें, पंचर करते हमारा, तो हम जिलाधिकारी महोदय साहब के पास आए कि हमें उचित मतलब जगह बताई जाए, हम कहाँ खड़े हों, कहाँ सवारी उतारे, कहाँ सवारी लें, और हम बिना उदमबाजी के मतलब कोई हमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम तो एक मतलब बहुत राजी से अपना ज्ञापन देने आया। अब क्या मांग है तुम्हारी? क्या साथ मांग ये चाहते हैं कि साहब हमारे साथ बदतमीजी नहीं की जाए, हमारे ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, दो दो तीन चालान हो रहे हैं, सवारी में 5 रुपए दे रही है तो हम उसे कहाँ से भरें? कलेक्ट्रेट पे इसलिए आए कि चालान कर रहे हैं पुलिस वाले, पीछे से खींच लेते हैं, पाँच छः महीने के हम वैसे मारे हुए हैं, दूसरों से मांग मांग के खाना खाया है हमने, पेट भरा है, इधर का हमारे ऊपर तमाम कर्जा है, किस्तें रुकी पड़ी हैं गाड़ियों की हमारे ऊपर, कहाँ से दें, क्या करें, परमिट खुले नहीं, मजबूरी में मजदूर आदमी कहाँ जाएँ, किधर मजदूरी करने के लिए जाएँ, इन लोगों ने जट्टारी परमिट दिया तो हमने ले लिए जट्टारी परमिट, अब ये कह रहे हैं चलेंगे नहीं, अवैध हैं सर हमारे, हमसे 1,000-2,000 रुपये और कर लेंगे तगादा, हम हमारे लिए क्या करें, परमिट यहीं के रिन्यू करें इन गाड़ियों के, हम कहाँ जाएंगे अलीगढ़ छोड़ के, जब रहना सहना सब हमारा अलीगढ़ के अंदर ही है तो हम कहाँ जाएँ, इधर क्या कहते हैं हम टैक्स भी दे रहे हैं ऑटो का, ट्रिपरी वाले टैक्स भी नहीं दे रहे, ये सब बस स्टैंड पर ट्रिपरियाँ भाग रही हैं, हमारा काम बिल्कुल ख़त्म है, पूरे दिन में 200-300 रुपये हाथ आ रहे हैं, 5,000-7,000 रुपये के चालान हो रहे हैं हमारे, ये ही दिक्कत है, इसीलिए हम क्या कहते हैं आए। क्या हुआ जहाँ पर ज्ञापन दिया तुमने? यहाँ पे ज्ञापन दिया सर, यहाँ पे तो क्या कहते हैं आने के बाद और पुलिस वाले हमें भगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी,